तो अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का जो गवर्नमेंट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, कि सरकार को यह निश्चित होना चाहिए कि जो न्याय है, जो रूल्स हैं, जो कानून बनाया गया है सबके लिए समान हो। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास फैमिलीज लोगों के लिए कुछ और नियम हो, गरीबों के लिए कुछ और हो, सबको समान हक मिलना चाहिए। इट फ्रेम्स laws and sees that it is implemented by the concerned authorities and the police. और इनका ये भी मानना होता है कि जो ये नियम बनाए गए हैं, ये concerned जो उनसे जुड़े हुए authorities हैं, जो उनसे जुड़े हुए committees हैं, जो institutions हैं, वो लागू करे और police भी इसको लागू करे और ध्यान में रखे। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस whenever there is a public gathering, कि जब कहीं भीड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है सरकार के लिए कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि शांति बनी रहे, वहां पर देश में शांति रहे, उस जगह शांति रहे, कुछ ऐसा कार्य ना हो जिससे कि समस्या उत्पन्न हो। कि द गवर्नमेंट डज प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर एंड पीस एंड ऑल्सो एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो जो सरकार का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और ये ध्यान में कि वो मेंटेन करे रूल रेगुलेशंस को, देश में शांति बनी रहे और साथ ही साथ देश का, कंट्री का डेवलपमेंट हो, नेशन का डेवलपमेंट हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अभी सरकार जो है अलग अलग लेवल्स पे, अभी मान लीजिए कि एक ही लेवल पर हो गवर्नमेंट तो बहुत ही मुश्किल है। शहरों का भी काम देखना उस सरकार के लिए, गांव का भी काम देखना, राज्य का भी देखना, पूरे देश का देखना, इसीलिए सरकार को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है कि इतने लेवल तक ये देखेंगे, आगे के लेवल तक वो देखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट लेवल्स में किस तरीके से सरकार डिस्ट्रीब्यूट है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स, कि गवर्नमेंट जो जिम्मेदार होती है किसी भी सेक्टर में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस, अभी गवर्नमेंट ये सब कैसे अरेंज करेगी, सभी सारी फैसिलिटीज लोगों को कैसे देगी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इतना बड़ा कंट्री है और एक ही सरकार रहे और सब तक सारी चीजें मिले, ये पॉसिबल नहीं है। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज मैनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज एंड विल कॉज इनकन्वीनियंस टू द सिटीजन्स विल बी इनकन्वीनियंस्ड, कि अगर एक ही लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे ही अगर काम हो तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उस सरकार के लिए कि पूरा का पूरा देश चलाना, कि वो वहीं से बैठे बैठे गांव को भी देखे, हर एक राज्य के शहर को भी देखे, टाउन को भी देखे, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो देयरफॉर आवर गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। इस वजह से क्या किया गया, सरकार को अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द अफेयर ऑफ विलेज एंड सिटीज, तो ठीक है, जो लोकल लेवल के जो गवर्नमेंट होगी वो गांव और शहरों के कामकाज देखेंगे। स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील विद मैटर एट द स्टेट level, while the government or at the national level is responsible for work related to the entire nation. तो जो state level है वो पूरे state को देखेंगी कि पूरे state में जो अलग अलग जिले हैं, districts हैं, गांव आते हैं, उनमें कैसा कैसा अगर कुछ problems आ रही हैं तो state उसको solve करेगी। अगर उनसे भी नहीं होगा तो सेंट्रल लेवल उसमें इन्वॉल्व होगी। और जो सेंट्रल लेवल है वो पूरी कंट्री को देखती है कि पूरे देश में क्या काम करना है। जैसे कि अभी ये सेंट्रल लेवल से अनाउंसमेंट था कि मार्च अप्रैल में लॉकडाउन रहेगा फुल्ली, कोई कहीं काम नहीं करने जाएगा, ना स्कूल्स ओपन होंगे, ना कोई ऑफिस चलेंगी, ना गाड़ियां चलेंगी। तो ये सेंट्रल लेवल का ऑर्डर था, तो पूरे देश में चला। अब फिर बाद में क्या हुआ, स्टेट लेवल को परमिशन दी गई कि अगर आपको अपने स्टेट में करना है तो वो पर्टिकुलर स्टेट अपने स्टेट को ओपन कर सकता था, लॉकडाउन हटा सकते थे। तो इस तरीके से स्टेट ने अपने अपने डिसीजंस दिए, किसी किसी स्टेट में लॉकडाउन ओपन बंद कर दिए गए और बाकी के काम का चालू हो गए, पर किसी किसी जगह उनका सेल्फ डिसीजन था कि हम अभी चालू नहीं करेंगे। तो ये स्टेट लेवल पर हो गया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लोकल लेवल एंड विल लर्न अबाउट दी
स्टेट लेवल इन द नेक्स्ट यूनिट। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो हमारा होगा स्टेट लेवल। हम देखेंगे कि स्टेट लेवल पे कैसे कामकाज होता है। लोकल लेवल तो हमने स्टैंडर्ड सिक्स में देख लिया था कि लोकल लेवल्स में क्या क्या है, जैसे ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, ये सारी चीजें। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट, कि नेशनल लेवल पर जो सरकार काम करती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी उसे कहा जाता है, जो पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो हम अपने नेक्स्ट डे के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।